हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। लंबे इंतज़ार के बाद आज फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए खुशी का दिन है। फाइनली जो उनका सपना था पूरा हो गया। काफ़ी लंबे इंतज़ार किए बेचारे, और मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ था ही। सुबह से ही आज अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर ये इस पर वीडियो बनाइए। सो मैं भी वेट कर रहा था लमसम 8 बजने का। अगर 8 बजता तो मैं ये वीडियो बनाता। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आज ही के डेट में देख सकते हैं 02/6 और आपको 2023 के डेट में ये जो CSBC एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत बिहार फायरमैन में 2119 जो अभ्यर्थी को चयनित किया गया था उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो देख सकते हैं कि इनको जिला आवंटित कर दिया गया है, और यहाँ पर 16/6/2023 तक योगदान करने के लिए भी कहा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो नाम दिया गया है, ये देखिए, मतलब अभ्यर्थी का सबसे पहले रोल नंबर दिया हुआ है, फिर उनका नाम दिया हुआ है, पिता का नाम दिया है, गृह जिला दिया हुआ है, और आपको जो जिला आवंटित किया गया है वो जिला का नाम दिया गया। देखिए, सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा अड़चन जान रहे क्या रहा था, इनका ट्रेनिंग सेंटर के लेकर। आखिर ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, जो लगभग 12 से 13 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है वो कहाँ दिया जाएगा, जो कि आधा ट्रेनिंग दिया जाता है आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराकर और आधा ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप देखिएगा होमगार्ड से कैंडिडेट ले लिए जाते थे, उनको फायरमैन में ट्रेनिंग दे दिया जाते थे, उसके बाद एक भर्ती हुआ वो भी काफ़ी डिले किया गया। आप जान रहे, पहले भी मैं उस बारे में आपको बताया था, ये भी भर्ती में काफ़ी अच्छा खासा डिले हो चुका था। लड़के आपको रिटेन पास किए, आपको फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए, उसके बाद भी उनको लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब इनका इंतजार ख़त्म हो चुका है। और ये देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी अपना यहाँ पर मिला लीजिएगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। कुछ ज़रूरी बातें भी ध्यान रखिएगा, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको अक्सर ध्यान रखना चाहिए, और उस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा लड़कों का जो भी है लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया, ठीक, यानी ध्यानपूर्वक आपको ये लिस्ट को देख लेना होगा, और लिस्ट में अपना नाम देखना होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है ये आप बता सकते हैं, या आप अपना देख लीजिएगा, खुद ही बताना इसमें क्या है। मतलब मुझे खुशी की बात यह है कि कम से कम जो लड़के बार बार ये बोल रहे थे कि सर, तो मैं उनको आश्वासन भी देता था, काफ़ी लड़के जुड़े हैं, तो मैं बोलता था कि कुछ दिन और वेट कर लो, कहीं ना कहीं इस पर बात चल रहा है, और फाइनली इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया। जैसे कि आप देखिएगा, इससे पहले बिहार पुलिस में भी वही हाल किया गया था, फिर जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है या उसके इंतजाम हो जाता है, फाइनली उनको भेज दिया जाता है। बट इस ट्रेनिंग सेंटर में या आपके शुरू के जो 3 साल होते हैं जॉब, उसमें आपको जॉब छोड़कर भागना नहीं है, या बीच में जॉब छोड़ना नहीं है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको इस तरीका से भी आप समझ सकते हो कि वो आपको पूर्ण रूप से अभी आपको बिहार के कर्मचारी नहीं माना गया है, अभी अस्थायी तौर पर अभी माना गया है। जब तक आपका पूरा ट्रेनिंग नहीं खत्म हो जाता, जब तक 3 साल पूरा नहीं कर जाते, ये अस्थायी तौर पर ही माना जाता है। यानी उस समय अगर आपसे कोई भी गलती होता है, छोटा मोटा जो भी गलती होता है, अगर आपके सीनियर चाहें तो आपको फिर रेड कलम लगा सकते हैं, आपको निलंबित किया जा सकता है। तो कम से कम अनुशासन में रहकर आपको अपना ट्रेनिंग तो पूरा ही करना होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। जो भी अभ्यर्थियों का ये लिस्ट में नाम है, और लड़का लड़की दोनों का नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको नीचे की लिस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, और फिर बताता हूँ कि क्या आपकी बातें जरूरी है जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ है, जो कि समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इंपॉर्टेंट बातें, सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अस्थायी होगी। सबसे पहले देख सकते हैं, ये देखिए, सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो होगी अस्थायी होगी, साफ साफ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ था वो सही सही, इस समय भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा जब, वहाँ पर भी सही सही दिखाना होगा, ठीक है, और उसका सत्यापन कराना होगा, वहाँ झोलझाल वाला कल काम नहीं करना है आपको। अभ्यर्थी की नियुक्ति के उपरांत 6 माह की अवधि तक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निसेवा के विभिन्न इकाइयों में 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा, जो कि अग्निशमन के विभिन्न इकाइयाँ है उसमें भी आपको प्रशिक्षण, यानी ये टोटल 12-13 महीने का जो प्रशिक्षण होता है इसमें अच्छे से आपको भाग लेना होगा। अभ्यर्थी को अग्नि के पद पर परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि के 3 वर्ष को होगी, यानी परिवीक्षा मतलब कि आपको देखा जाएगा, ट्रेनिंग के जो अवधि होगा आपको देखा जाएगा, ये 3 वर्ष में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, कुछ आपका मेडिकली अनफिट नहीं आ जाता है, यानी कि मान लीजिए ऐसा कुछ रोग निकल कर आ जाता है जो सही ही नहीं होगा, फिर उस तरीका से भी आपको बाहर किया जा सकता है, यानी मेडिकल अनफिट, क्योंकि ये फायरमैन का जॉब है, इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी के अग्नि पद पर सेवा संतुष्टि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा परीक्षा अवधि पूर्ण करने के तत्पश्चात ही होगा, यानी 3 साल तक आपका इसमें क्या होगा कि आपका विभागीय परीक्षा भी होता है भाई, ऐसा थोड़े ना होता है, ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो उस समय परीक्षा भी तो देते हो ना, एक तो आपको परीक्षा भी आपको भाग लेना होता है, पास होना होता है सभी को, और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि ये 3 साल की अवधि में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सिंपल सी बात समझिए आप लोग, ठीक ना। अब देखिए, अभ्यर्थी का अग्निपथ पर सेवा संतुष्टि, निर्धारित परीक्षण सफलतापूर्ण करना, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और परीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात की जाएगी।
अभ्यर्थी के प्रशिक्षण के बाद बिहार राज्य के किसी भी जिले इकाई में पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष बशर्ते कि उन्मुक्ति या पदयोचित ना किया जाए अथवा सैनिक चल शिक्षक द्वारा बिहार अग्निसेवन सेवा के लिए अयोग्य प्रमाणित ना किया जाए। मैंने बोला था ना कि जब तक आपको पूरी तरीके से मेडिकल अनफिट नहीं किया जाता तब तक पहले पद त्याग अगर करते हैं यानी अपने से पद त्याग कर देते हैं तो मान लीजिए ट्रेनिंग पीरियड में ही कर देते हैं या 1 साल जॉब करते हैं उस समय ही कर देते हैं तो सब पैसा जोड़ से आपसे लिया जाएगा, सब पैसा जोड़ा जाएगा फिर बाद में आपसे लिया जाएगा यानी वसूला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थी का योगदान आपको समय दहेज नहीं लेना, ये तो पहले भी वीडियो मैंने बनाकर बताया था कि ये दहेज नहीं लेना है नहीं देना है आपको, ये चीज़ आपको लड़कियों के लिए नहीं देना है लड़कों के लिए नहीं लेना है, ये चीज़ है इस पर साइन कराना होता है। अभ्यर्थी के योगदान के पदस्थन पर आने जाने के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा यानी कोई फी नहीं दिया जाएगा, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है अपना सामान उमान अच्छे से रख लीजिएगा ठीक बेसिक। अभ्यर्थी का जो अवीरता दिया जाएगा कौन सीनियर कौन जूनियर है वो आप CSBC का जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी पद पर नियुक्त है या नियोजित है यानी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो नियुक्त पदाधिकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ठीक ये आपको लाना पड़ता है कि वहाँ से आप जॉब छोड़ रहे हैं तो वो प्रमाण पत्र जारी करते हैं। अब ये सब देख सकते हैं ये सभी आपको साइन उन है और यहाँ से ये आपको 2/6/2023 को जारी कर दिया गया ठीक। तो सबसे पहले जो भी आपको जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए उनको मेरे तरफ से बार बार बधाई हो और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से ड्यूटी कीजिएगा, ट्रेनिंग कीजिएगा और कहीं ना कहीं जो अपना सपना था वो आपका पूरा हुआ और आपका जो बोझ था इतने दिनों से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगल बगल पड़ोस के ताने सुन सुनकर आप भी पक गए होंगे। अब वर्दी चढ़ाने का समय आ चुका है, ट्रेनिंग करने का समय आ गया है, शांतिपूर्वक ट्रेनिंग करना है आप लोगों को ठीक। जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर प्रॉब्लम बताना ठीक, ऐसा कुछ होता है तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। बाकी आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, 10 क्लास के बचवा तो है नहीं 9 क्लास का, तो फिर लिस्ट जो होगा टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर ये वाला फाइनल होता है भर्ती। धन्यवाद आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए।